नमस्कार, ग्रामर के एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये सब कुछ देखेंगे। तो बिना समय गंवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या डिफरेंस होता है। तो काफ़ी डिफरेंसेज हैं जो मैं इस वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा और आपको समझाऊँगा कि वो डिफरेंस कैसे हैं। तो अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करते समय जो है मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम फिनिश्ड एक्शन के लिए करते हैं। जो भी एक्शन एट प्रेजेंट फिनिश्ड है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज अनफिनिश्ड एक्शन के लिए भी करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज अनफिनिश्ड एक्शन के लिए तब होता है जब हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं सेंटेंस में। सिंस के बाद जब हम पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं और फॉर के बाद जब पीरियड ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं तो उस समय हम अनफिनिश्ड एक्शन का बोध कराने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह है केवल तभी करते हैं जब हम जो हमारी क्रिया है वो एक नॉन एक्शन वर्ब हो। अगर हमारी क्रिया नॉन एक्शन वर्ब होगी तो ही हम ऐसा कर सकते हैं, अगर एक्शन वर्ब होगी तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है नॉन एक्शन वर्ब्स कौन सी होती है। तो नॉन एक्शन वर्ब्स वो होती हैं जिनसे किसी एक्शन का बोध नहीं होता है। वो किसी या तो किसी स्टेट का बोध कराती हैं या किसी सिचुएशन का बोध कराती हैं। फॉर एग्जांपल, दूसरी चीज़ हमें ये जो वर्ब्स हैं इनके बारे में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें हैं ये ऐसा नहीं है कि ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। एक बार जब स्टार्ट हो जाती हैं तो इनको कंट्रोल करना या इनको रोकना हमारे वश में नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि वर्क, अगर मैं ये वर्क वर्ब यूज करूँ या ये जंप वर्ब यूज करूँ तो ये हमारे कंट्रोल में होती हैं। ठीक है, मैं जंप करना, ये जो क्रिया है जंप करना, ये शुरू भी हो सकती है और थोड़ी देर चल के मैं इसको जंप करना बंद भी कर सकता हूँ। ठीक है, और जब मैंने ये काम किया, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये एक्शन हुआ, तो इसका रिजल्ट भी कुछ ना कुछ निकलेगा। इसी प्रकार से ये है वर्क, ये भी ऐसी वर्ब है। मैं काम करना शुरू कर सकता हूँ थोड़ी देर काम करके, और मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक काम करके और काम को बंद भी कर सकता हूँ। ठीक है, और जो काम होगा ये इसका रिजल्ट निकलेगा आगे। तो ये एक्शन वर्ब होती हैं। ठीक है, तो ये एक्शन वर्ब होती हैं। और नॉन एक्शन वर्ब होती हैं जिनका शुरू होना, और ऐसा नहीं है कि हम शुरू कर दें अपनी मर्ज़ी से और फिर उनको थोड़ी देर चलाएं और फिर बंद कर दें। ठीक है, इनके साथ ऐसा नहीं होता। जैसे अगर हम मान लीजिए ये वर्ब लें नो, नो मीन्स जानना, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को जानना शुरू कर दें और दो तीन दिन के बाद और इसको जानने को बंद कर दें, अर्थात हम उसको भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम किसी व्यक्ति को जानते हैं तो ये जो एक्शन है या ये जो सिचुएशन है जो भी है ये हमारे दिमाग में सेट हो जाती है और इस पर हमारा फिर कंट्रोल नहीं होता। अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हैं तो अगर आप चाहो कि आप उसको भूल जाओ तो आप उसको नहीं भूल सकते, ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ऐसी वर्ब्स जैसे बिलीव हो गया, नो हो गया, ठीक है, हियर हो गया। आपके कान खुले हैं तो आपको सुनेगा, अगर आपकी आंखें खुली हैं तो आपको दिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको ना दिखे आंखें खुली होने के बावजूद भी और आंखें कान खुले होने के बावजूद भी आपको ना सुने। ठीक है, तो ये जो वर्ब्स हैं ये हमारे इंटरनल वर्ब्स होती हैं। ये जो क्रियाएँ हैं मोस्टली अपने अंदर से करते हैं, हमारे शरीर के अंदर से होती हैं और कोई हमें ये क्रिया करते हुए देख भी नहीं सकता है। तो ये जो क्रियाएं होती हैं ये नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं, ये हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, हमारे इन पर कंट्रोल नहीं होता है। तो जब इन क्रियाओं का यूज हम करते हैं और उसी सेंटेंस में हम या तो कोई पॉइंट ऑफ टाइम के बाद समय यूज करते हैं या पीरियड ऑफ टाइम सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम यूज करते हैं या फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम यूज करते हैं, तो उन सेंटेंसेज में जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब जैसे ये सेंटेंस, आई हैव नोन सोहन फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, मैं 3 साल से सोहन को जानता हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं उसको अपनी मर्ज़ी से अगर मैं चाहूँ तो ये जो सिचुएशन है, ये जो स्टेट है, इसको मैं अपनी मर्ज़ी से बंद कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं उसको एट प्रेजेंट अब भूल जाऊँ तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये नॉन एक्शन वर्ब है। तो यहाँ पे देखिए, फोर के बाद पीरियड ऑफ टाइम का इस्तेमाल हुआ है और पीरियड ऑफ टाइम जब इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे और हम यहाँ पे यूज एक ऐसी वर्ब कर रहे हैं जो नॉन एक्शन वर्ब है, तो हमें यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पे हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे एरर क्रिएट हो जाएगा अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज़ कर दिया तो। और ये जो एक्शन है, ये अनफिनिश्ड एक्शन कैसे, देखिए ये भी आप जान लेते हैं, ये अनफिनिश्ड एक्शन इसलिए है क्योंकि अब उसको जाने हुए 3 साल हो गए, अर्थात मैं 3 साल से सोन को जानता हूँ, तो इसका मतलब है कि उसको जाने हुए मुझे 3 साल हो गए, अर्थात जो कम्प्लीशन हुआ है वो किसका हुआ है, ये टाइम का हुआ है, ये 3 साल ख़त्म हुए, एक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हुई है अभी, ये जारी है, ठीक है, ये फिनिश्ड नहीं है, ये तो अभी आगे चलती रहेगी, इसको तो मैं जानते रहूँगा, और लेकिन ये जो काम, ये जो फिनिश हुआ है, ये सिर्फ यहाँ पे, ये जो ड्यूरेशन है यहाँ पे, ये समाप्त हुई है, तो ये फिनिश्ड एक्शन यहाँ पे, फिनिश्ड एक्शन या फिनिश्ड सिचुएशन यहाँ पे नहीं है ये। तो जब भी हम नॉन कंटिन्यूस वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो वो, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है हम ड्यूरेशन या टाइम का यूज कर सकते हैं, जैसे इस सेंटेंस में किया गया है, और वहाँ पे जो एक्शन या सिचुएशन होती है वो अनफिनिश्ड होती है। लेकिन अगर हम कोई, हमारी जो क्रिया है जो हम सेंटेंस में यूज़ करने जा रहे हैं वो एक एक्शन वर्ब है मान लीजिए, ठीक है, तो एक्शन वर्ब है तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे जो ये वर्ब है वॉश, तो यहाँ पे वॉश को मैं, मान लीजिए मैं कोई चीज़ धो रहा हूँ, कोई वॉश कर रहा हूँ, तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी से शुरू कर सकता हूँ और अपनी मर्ज़ी से समाप्त भी कर सकता हूँ, ठीक है, बंद हो जाएगी, मैं चाहता हूँ कि मैं शुरू करूँ तो वॉशिंग शुरू कर दूंगा, जब मुझे बंद किया तो मैंने वॉशिंग बंद कर दी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक काम हुआ तो इसका कोई ना कोई रिजल्ट भी निकलेगा, ठीक है, ये रिजल्ट भी निकलेगा, तो ये ऐसा, ये एक ऐसा काम है जो मैं, मेरे कंट्रोल में है, तो यहाँ पर ये एक्शन वर्ब है, ठीक है, ये एक्शन वर्ब है, तो एक्शन वर्ब अगर मैं यूज़ करूँगा और उसी, और मैं जो है उस एक्शन वर्ब के लिए कोई जो है पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल करूँ उस सेंटेंस में, तो वहाँ पर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, तो ऐसे जैसे सी हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये भी अनफिनिश्ड एक्शन है, अर्थात अभी जो है 2 घंटे समाप्त हुए हैं लेकिन ये एक्शन अभी कंटिन्यू है, एट प्रेजेंट ये एक्शन जारी है। अगर मैं इसको टाइमलाइन से समझाने की कोशिश करूँ तो ये मेरी टाइमलाइन है, ये मेरा पास्ट पॉइंट है और ये मेरा प्रेजेंट पॉइंट है और ये मेरा फ्यूचर पॉइंट है, ठीक है, तो ये एक ऐसा एक्शन है जो मैंने वॉशिंग की थी 2 घंटे पहले, यहाँ मान लीजिए एट प्रेजेंट 11 बजे हैं, मान लीजिए 11 बजे हैं यहाँ पे, तो मैंने 9 बजे मैंने वॉशिंग करनी शुरू की थी, ठीक है, तो ये जो एक्शन है ये एट प्रेजेंट तक चलता रहा है, ठीक है, और फ्यूचर में भी जारी रहेगा, ये भी बंद नहीं हुआ है, तो ये अनफिनिश्ड एक्शन है। तो अगर हम अनफिनिश्ड एक्शन का बोध कराने के लिए अगर हमारी जो वर्ब है वो कंटिन्यूस वर्ब है, मतलब जो एक्शन वर्ब है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। अगर वो स्टेटिव वर्ब है, मीन्स वो एक्शन वर्ब नहीं है, वो हमारे कंट्रोल से बाहर है और उसमें हम पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस दोनों हो सकती हैं, मींस अगर उन क्रियाओं का यूज अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम वाले सेंटेंसेस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करें या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में यूज़ करें तो उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, वो दोनों सेम मीनिंग कन्वे करती हैं। जैसे अगर हम कहें दें, और ये जो वर्ब है उन पर हम नज़र डाल लेते हैं एक बार, जैसे टीच है, वर्क है, स्टडी है और लिव है, ठीक है, तो ये अगर वर्ब आप अगर इनको हम प्रेजेंट परफेक्ट मींस अगर इनको हम पॉइंट ऑफ टाइम या जो है ड्यूरेशन वाले सेंटेंसेस में करते हैं तो हम इनके साथ किसी भी तरह से खेल सकते हैं, मींस इनके साथ हम इनको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी यूज़ कर सकते हैं, इनको हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे दे हैव लिव्ड इन लंदन सिंस 2004, तो ये अगर हम यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हुआ है, इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, दे हैव बीन लिविंग इन लंदन सिंस 2004, दोनों सेंटेंस यहाँ पर सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, मींस उसका जो लंदन में रहना है वो समाप्त अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी एक्शन जारी है, चाहे आप हैव लिव्ड कह लीजिए, चाहे आप हैव लिविंग कह लीजिए। इसी प्रकार आई हैव स्टडीड फ्रेंच फॉर 10 ईयर्स, तो यहाँ पे भी जो है हैव स्टडीड प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ है, यहाँ पे हैव बीन स्टडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज हुआ है, दोनों में कोई मीनिंग में दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। उसी प्रकार से ही हैज़ वर्क एट द कंपनी सिंस 2009, तो और इसको आप ऐसे कह लीजिए, चाहे ही हैज़ बीन वर्किंग एट अवर कंपनी सिंस 2009, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, दोनों सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। तो ये क्रियाएँ आप याद रख सकते हैं, इन क्रियाओं के साथ चाहिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज़ कर लीजिए, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कर लीजिए, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और पीरियड ऑफ टाइम के साथ। जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम यूज हुआ है सिंस के बाद और यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम यूज हुआ है 4 के बाद, तो इन क्रियाओं का यूज अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम का के साथ, तो इनमें जो है इनकी मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम मीनिंग कन्वे करते हैं।
अगला है, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं तो उस सेंटेंस में जो है जो लेंथ ऑफ टाइम है उस पर फोकस किया जाता है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं तो उसमें रिजल्ट पर फोकस किया जाता है, वहाँ पे लेंथ ऑफ टाइम पे फोकस नहीं किया जाता है। जैसे दे हैव बीन वेटिंग फोर आवर्स, वे घंटों से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ टाइम है उसको फोकस किया गया है, मीन्स उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित करवाने की कोशिश की गई स्पीकर की। लेकिन अगर हम कहें दे हैव वेटेड फॉर अस, तो यहाँ पे जो है रिजल्ट की ओर, यहाँ पे लेंथ ऑफ टाइम को फोकस नहीं किया गया, उस पर एम्फाइस उस पर जोर उस पर प्रेशर नहीं दिया गया लेंथ ऑफ टाइम पे, बल्कि इसके विपरीत जो रिजल्ट है उसको एम्फेसाइज करने की कोशिश की गई है। तो जब भी कोई हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं तो उससे वहाँ पे जो है रिजल्ट जो होता है वो एम्फेसाइज किया जाता है, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं तो उस सेंटेंस में क्या अर्थ निकलता है कि वहाँ पर लेंथ ऑफ टाइम को जो है ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है, ज़्यादा उसको एम्फेसाइज किया गया है। आगे अगर हम किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर अगर हम हाउ मच और हाउ मैनी की बात कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज़ करना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे देखिए, सी हैज़ ड्रंक 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से जो है 3 कप चाय पी गई है, ठीक है, वो उस वक्त 3 कप चाय जो है सुबह से पी चुकी है। अब कितने कप पी चुकी है? 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी। और तो यहाँ पे सी हैज़ ड्रंक कॉफ़ी, और तो वह कॉफ़ी पी चुकी है, अब कितनी, हाउ मैनी कप्स। तो यहाँ पे जो हम हाउ मैनी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम वाले सेंटेंसेस में अगर हाउ मच और हाउ मैनी की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते सी हैज़ बीन ड्रिंकिंग 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी सिंस मॉर्निंग, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। आगे है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस जो टेंस होता है वो अपने एक्शन, ठीक है, जो जिस एक्शन का वो बोध कराता है उस एक्शन पे फोकस करता है, और जो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस होता है वो इस फैक्ट की ओर, इस फैक्ट पर फोकस कराता है कि जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे देखिए, आई हैव बीन रीडिंग द बुक यू रिकमेंडेड, तो जो तुमने बुक रिकमेंड की थी वो किताब मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आई हैव बीन रीडिंग, यहाँ पे जो एक्शन है उसको फोकस किया जा रहा है, मीन्स अभी ये एक्शन कंटिन्यू है, ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि आई एम एन्जॉइंग इट बट आई एम नॉट फिनिश्ड, ठीक है। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो इस चीज़ को फोकस करता है कि एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे आई हैव रेड द बुक यू रिकमेंडेड, इसका मतलब ये है कि आई हैव फिनिश्ड इट, आई हैव फिनिश्ड द बुक, ठीक है। सो वी कैन टॉक अबाउट इट या सो वी कैन गो समवेयर, जहाँ भी है आप जैसे जाना चाहते हैं कहीं भी, मीन्स यहाँ ये फोकस करा है, यहाँ पर इस चीज़ को स्ट्रेस किया जा रहा है कि ये जो बुक है ये पढ़नी मैंने फिनिश कर दी है, लेकिन यहाँ पे एक्शन जो यहाँ पे जो खुद एक्शन है उसकी ओर थोड़ा सा फोकस करवाया जा रहा है, मींस यहाँ पे जो आई हैव बीन रीडिंग अगर मैं कहूँगा तो इसका मतलब मैंने वो रीडिंग ख़त्म नहीं की है, ठीक है, मैंने वो फिनिश नहीं की है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है वो हमेशा एक्शन पे फोकस करता है, और जो प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस होता है वो हमेशा इस चीज़ इस बात पर, इस फैक्ट को फोकस करता है कि भाई जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। हम येट और ऑलरेडी जैसी एडवर्ब्स का यूज़ केवल प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इन एडवर्ब्स का यूज हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हैव यू रेड द बुक येट, यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते हैव यू बीन रीडिंग द बुक येट। इसी प्रकार से सी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क ऑलरेडी, यहाँ पे भी हम ऐसा नहीं कह सकते सी हैज़ बीन फिनिशिंग। तो ये जो भी येट और ऑलरेडी वर्ब्स हैं, ये जो एडवर्ब्स हैं सॉरी, इनका यूज हम सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम इनका यूज नहीं करेंगे। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उससे भी रिजल्ट का बोध होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है उससे भी किसी ना किसी रिजल्ट का बोध होता है, लेकिन दोनों के रिजल्ट में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है, चलिए कुछ 3 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे 6 सेंटेंसेस लिए हैं और एक सेंटेंस को मैंने डबल लिखा है, मीन्स एक प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है और उसी सेंटेंस मीन्स उसी वर्ब को मैंने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी लिखा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट से जो रिजल्ट निकलेगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से जो रिजल्ट निकलेगा, उन दोनों रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस है, ये हम दोनों सेंटेंसेस के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए, अभी देखिए, आई हैव ईटन डिनर, मैंने डिनर कर लिया है, सो लेट्स गो आउट, तो चलिए चलते हैं। अब ये जो रिजल्ट निकला, मीन्स यहाँ पे जो रिजल्ट निकला, मीन्स हमारा जाना हुआ, ये रिजल्ट कब हुआ, जब ये ईट खत्म हुई, ठीक है। ये जो एक्शन है जब ये कंप्लीट हुआ तभी ये रिजल्ट निकलेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का जो रिजल्ट निकलेगा वो सिर्फ तभी निकलेगा जब वो प्रेजेंट परफेक्ट में जिस एक्शन का जिक्र कर रहे हैं हम, जब वो समाप्त हो लेगा, जब वो पूरी तरह से फिनिश हो लेगा,
ठीक है, जब वो 100% फिनिश हो लेगा तब वो रिजल्ट निकलेगा प्रेजेंट परफेक्ट वाला। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से जो रिजल्ट निकलेगा वो एक्शन कंप्लीट है उसका रिजल्ट नहीं है, वो सिर्फ एक्शन का रिजल्ट है। और प्रेजेंट परफेक्ट में जो रिजल्ट निकलेगा वो एक्शन के कंप्लीट होने का रिजल्ट है, ठीक है, जो एक्शन होगा उसके कंप्लीट होने का रिजल्ट है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से जो रिजल्ट निकलेगा वो सिर्फ एक्शन का रिजल्ट है, वो फिनिश हो या ना हो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे देखिए, ये ईट अगर मैं ख़त्म करूँगा, मीन्स अगर मैं डिनर ईट मैं जो डिनर है मेरा डिनर, ये एक्शन जब ख़त्म होगा तो ये रिजल्ट, मतलब मैं आपके साथ कब चल सकता हूँ, जब मेरा ये एक्शन ख़त्म होगा तब, कंप्लीट होगा तब। लेकिन ये देखिए, आई हैव बीन ईटिंग डिनर सो देर आर प्लेट्स ऑल ओवर द टेबल, मैं डिनर कर रहा हूँ इसलिए चारों तरफ टेबल पे प्लेट है। ये जो रिजल्ट निकला है इससे, अब ये जो एक्शन है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पे है, और इससे जो रिजल्ट निकला, अब ये रिजल्ट कैसा रिजल्ट है, ये रिजल्ट सिर्फ एक्शन का रिजल्ट है, ये इस एक्शन के फिनिश होने का रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक्शन का रिजल्ट है कि भाई मैंने खाना शुरू किया इसीलिए तो प्लेटें हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने खाना ख़त्म कर दिया, मेरा डिनर ख़त्म कर दिया है कि नहीं कर दिया, हो सकता है मेरा डिनर तो चालू है, कंटिन्यू है, अभी मैंने फिनिश नहीं किया ये। तो यहाँ पे एक ऐसा रिजल्ट है प्रेजेंट परफेक्ट से जो रिजल्ट का बोध होगा, वो एक ऐसा रिजल्ट होगा जो वो एक्शन कंप्लीट होने पर ही होगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से जो रिजल्ट निकलेगा वो एक्शन का रिजल्ट होता है, वो वहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि वो एक्शन ख़त्म हो गया नहीं हो गया, हो सकता है वो एक्शन ख़त्म नहीं हुआ हो लेकिन रिजल्ट तो निकल चुका है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपने खाना जो है शुरू कर दिया है और टेबल पे प्लेटें प्लेटें हो गए हैं, लेकिन आपका खाना भी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन वो टेबल पे प्लेटें क्यों आई, वो टेबल पे प्लेटें किस के किस किसका रिजल्ट है, वो इस एक्शन के शुरू होने का रिजल्ट है ईट का, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ऐसे ही। देखिए अभी ये एग्जाम्पल देखिए, सी हैज़ डन ऑल हर होमवर्क। अब सी हैज़ डन ऑल हर होमवर्क, ये एक्शन हुआ कि उसने अपना सारा होमवर्क कर लिया है, सो सी कैन रिलैक्स दिस इवनिंग, इसलिए वो आज शाम को रिलैक्स कर सकती है। तो रिलैक्स कर सकती है, ये रिजल्ट कब निकलेगा, जब उसने अपना होमवर्क कर लिया होगा, तो ये एक्शन जब कंप्लीट हो लेगा तब ये रिजल्ट निकलेगा। लेकिन सी हैज़ बीन डूइंग हर होमवर्क सो सी इज़ टायर्ड। अब ये एक्शन वो कर रही है, ठीक है, ये एक्शन वो चल रहा है, ये एक्शन कंटिन्यू है और इसके परिणाम स्वरूप भी ये रिजल्ट है। अब ये जो है, ये कैन रिलैक्स, ये जो रिजल्ट है ये भी वर्ब का रिजल्ट है, और ये जो रिजल्ट है ये भी इस वर्ब का रिजल्ट है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, ये रिजल्ट तभी निकलेगा जब ये एक्शन कंप्लीट हो लेगा, लेकिन ये रिजल्ट निकलने के लिए इस एक्शन का कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि उसका होमवर्क कंप्लीट भी ना हुआ हो और वो बीच में टायर्ड हो गई हो, लेकिन ये सिर्फ एक्शन का रिजल्ट है, ये काम उसने शुरू किया तभी ये रिजल्ट हुआ। अब जरूरी नहीं है कि वो काम जो उसका होमवर्क है वो ख़त्म हो लिया हो, लेकिन ये तो रिजल्ट तभी निकलेगा जब ये फिनिश हो लेगा, ये एक्शन है ये कंप्लीट हो लेगा, 100% फिनिश हो लेगा तब ये रिजल्ट निकलेगा। लेकिन इसके लिए 100% का होना ज़रूरी नहीं है, ये हो सकता है कि बीच में ही वो टायर्ड हो गई हो, उसका होमवर्क अभी भी नहीं हुआ हो, ठीक है, ये कंटिन्यू है ये एक्शन, ऐसा भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा ही है, सेम यही है, यही चीज़ समझाने के लिए है कि आई हैव मेड ए केक, मैंने केक बना लिया है, वुड यू लाइक सम, क्या तुम कुछ लोगे, कुछ पसंद करोगे, कुछ लेना चाहोगे। तो मैं किसी को खाने के लिए केक कब दूंगा, जब मैं केक बना लूँगा, मीन्स ये जो एक्शन है ये 100% कंप्लीट हो लेगा तभी तो ये रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। लेकिन आई हैव बिन मेकिंग ए केक, मैं केक बना रहा हूँ, दैट्स वाई द किचन इज सच ए मैस, इसीलिए जो किचन है उसमें इतनी अव्यवस्था है। तो ये जो रिजल्ट है ये इस चीज़ का बोध नहीं करा रहा है कि ये एक्शन ख़त्म हो लिया तभी ये रिजल्ट निकलेगा। हो सकता है केक बनाना अभी ख़त्म ही ना हुआ हो, केक बना ही ना हो पूरा, लेकिन फिर भी यह व्यवस्था हो। लेकिन ये रिजल्ट क्यों निकला, ये सिर्फ इस एक्शन की वजह से निकला कि ये एक्शन मैंने शुरू किया तब ये रिजल्ट निकला। लेकिन ये रिजल्ट कब निकलेगा, आप किसी को खाने के लिए कब तब दोगे, ये तब दोगे जब आप ये 100% ये फिनिश कर लोगे केक बनाना। तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट से जो रिजल्ट निकलता है वो सिर्फ उस एक्शन के कंप्लीट होने का रिजल्ट है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से जो रिजल्ट निकलेगा वो उस एक्शन का रिजल्ट है, ठीक है। ये दोनों रिजल्ट्स में एक मेन डिफरेंस होता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो इस चीज़ को एम्फेसाइज करता है कि कोई चीज़ टेम्परेरी है, ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। जैसे सी हैज़ बीन रनिंग ए लॉट रिसेंटली, वो हाल ही में
जो है बहुत ज़्यादा दौड़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी ज़िंदगी दौड़ती रहेगी, अर्थात इसका मतलब है कि सी डजेंट यूजुअली डू दिस, ठीक है, वह आमतौर पर ऐसा नहीं करती है, लेकिन कुछ हो सकता है उसको किसी दौड़ना उसके लिए ज़रूरी हो थोड़े दिनों के लिए, तो ये एक टेम्प्रेरी जो है एक्शन को जो है एम्फेसाइज किया जा रहा है यहाँ पे। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है उसमें जो है किसी टेम्प्रेरी जो है एक्शन है या टेम्प्रेरी सिचुएशन उसको एम्फेसाइज किया जाता है, वो चीज़ परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। जैसे ये देखिए, यूजुअली आई स्टडी एट होम, आमतौर पर मैं अपने घर पर जो है स्टडी करता हूँ, बट आई हैव बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी फॉर द लास्ट वीक, लेकिन मैं पिछले वीक से जो है लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा हूँ। तो ये स्टडी जो करना है ये भी आमतौर पर तो घर पे स्टडी करता हूँ, लेकिन पिछले सप्ताह से मैं लाइब्रेरी में स्टडी कर रहा हूँ, तो ये भी टेम्प्रेरी एक्शन है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से जो एक्शन का बोध होता है वो एक टेम्प्रेरी एक्शन होता है। आगे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसका यूज हम तब करते हैं जब कोई एक्शन फिनिश हो लेता है, ठीक है। मीन्स यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे फिनिश हो गया, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब आगे उसके बढ़ने के आसार नहीं है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। लेकिन हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस तब यूज़ करेंगे जब यहाँ से यहाँ तक कुछ एक्शन ख़त्म हो लिया हो लेकिन आगे उसके एक्सटेंड होने के चांस हो, ठीक है, एक्सटेंड होने के चांस हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। जैसे ही हैज़ यहाँ पे ब्रोकन हो रहेगा, यहाँ पे ब्रोकन हो रहा था, ही हैज़ ब्रोकन हिज फिंगर एंड इज़ इन ए लॉट ऑफ पेन, उसने अपनी उंगली जो है वो तुड़वा ली है और उसके बहुत दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे ही हैज़ ब्रोकन यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है, ये इसलिए यूज किया गया है कि ये एक्शन जो है वो आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता अब, ठीक है। एक बार उंगली टूट ली है तो ऐसा नहीं है कि ये मैं इस उंगली के टूटने के एक्शन को जो है आगे एक्सटेंड कर लूँ, कि एक बार हो लिया फिनिश हो लिया, ये आगे एक्सटेंड होने के चांस नहीं है, तो यहाँ पे जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया गया है। लेकिन ये देखिए, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट एंड नीड ए लिटिल ब्रेक फॉर ड्रिंकिंग वाटर, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और मुझे जो है पानी पीने के लिए छोटे से ब्रेक की ज़रूरत है, तो ये एक्शन जो है ये क्योंकि क्रिकेट खेलते समय खिलाड़ी बीच में भी पानी पीते हैं, तो ये जो प्लेइंग क्रिकेट है ये आगे एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। ये आगे पानी पीने के बाद और ज़्यादा, मतलब पानी पीने के बाद एक्सटेंड होगा ये जो एक्शन है ये, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया गया है। तो जो भी एक्शन ऐसे होते हैं जो एक बार फिनिश हो जाते हैं वो आगे एक्सटेंड नहीं हो सकते हैं, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं, और जो एक्शन कुछ हिस्सा उनका ख़त्म हो लिया लेकिन वो आगे एक्सटेंड रहेंगे तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। कम्प्लीशन इसमें भी है, कम्प्लीशन इसमें भी है, इसमें पार्शियल कम्प्लीशन है, इसमें फुल कम्प्लीशन है। आगे देखिए, जब भी हम कोई चीज़ सुनते हैं या जब भी कोई चीज़ हम जो है देखते हैं और उसका फिर हम कंक्लूजन निकालते हैं, मान लीजिए हमने कोई चीज़ देखी या हमने कोई चीज़ सुनी और हमने उसका कंक्लूजन निकाला, ठीक है, कंक्लूजन निकाला और कंक्लूजन रूप में हमने देखा कि कोई चीज़ हो रही थी या कोई चीज़ मैंने सुनी, तो कोई एक्शन हो ही रहा था, कोई एक्शन हो रहा था और मैंने वो सुना, ठीक है, या कोई एक्शन हो रहा था वो मैंने देखा और फिर मैंने कंक्लूजन निकाला, तो ऐसा कंक्लूजन जो अक्सर होता है वो किसी को शिकायत करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए, या कोई किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की बजाय, ठीक है। फिर सुनिए, मान लीजिए हमने कोई चीज़ देखी और हमने यह चीज़ कोई चीज़ सुनी, ठीक है, कोई एक्शन हो रहा था तो उसके बारे में हमने देखा और हमने सुना, फिर हमने उसको कंक्लूड किया, और कंक्लूड किया तो ये जो कंक्लूजन होता है ये किसी के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए या किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए होगा, ध्यान रखिए। तो ऐसे में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए, मान लीजिए आपके जो पेपर्स हैं, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो किसी कमरे में रखे हैं, आप उस कमरे में जो है कुछ बच्चे खेल रहे हैं और आप उस कमरे से थोड़ी देर के लिए बाहर गए और जब आप आए तो जो है पेपर जो हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप सारे कमरे में बिखरे पड़े थे, ठीक है। तो आपने कोई चीज़ देखी और फिर आपने कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला कि किसी ने पेपर इधर उधर किए हैं, ठीक है, ये कंक्लूजन निकाला, और ये कंक्लूजन जो है वो कंप्लेंट का या किसी को क्रिटिसाइज़ करने का है, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि भाई किसने ये मेरे पेपर इधर उधर किए हैं, ठीक है, वो सारे इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो कंक्लूजन तो ये निकाला कि किसी ने नहीं, इसे तो वो पेपर जो हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो इधर उधर किए हैं। तो ऐसे में इस चीज़ को आप बोलने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं करेंगे। तो जैसे देखिए, जैसे ऐसे सेंटेंस ये देखिए, हम ये कहेंगे हु हैज़ बीन मैसिंग अराउंड माई पेपर्स, दे आर ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है। तो ये तो कंक्लूजन हो गया, ये तो कंक्लूजन हो गया, और ये हमने
जो अपनी जो बात है और जो स्टेटमेंट है वो हमने बोली है, ठीक है। और ये हमने देखा, मीन्स दे आर ऑल ओवर द प्लेस, ये तो हमने देखा, ठीक है। और ये हमारा कंक्लूजन हुआ, हम इस चीज़ को ऐसे लेंगे, ये तो हमने देखा भाई, हमने कोई चीज़ देखी, फिर हमने कंक्लूड क्या निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला कि भाई कोई चीज़ इधर उधर मेरे पेपर, किसी ने भी पेपर इधर उधर किए हैं, ऐसे तो हो नहीं सकता कि वो सारे इधर उधर अपने आप चले गए। तो ऐसा जो कंक्लूजन होता है वो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखते हैं। हम इसके लिए ऐसे नहीं कहते हु हैज़ मेस्ड अराउंड माई पेपर्स, ठीक है। और ये कंप्लेन और क्रिटिसाइज करने के लिए हम यूज करते हैं ऐसे जो कंक्लूजन होते हैं वो। ये जो सेंटेंस है नीचे वाला, ये थोड़ा सा अधूरा लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा पूरा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को आप रहने दीजिए, ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, गलत नहीं है बल्कि थोड़ा सा यहाँ पे वर्ब गायब है, तो इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है। ये सेंटेंस मैंने लिखा, यू हैव बीन ईटिंग चॉकलेट, हैवंट यू, और इसके आगे है देर आर सम ऑन योर शर्ट, देर आर सम ऑन योर शर्ट। अब देखिए, अगर आप किसी से कहते हैं कि यू हैव बीन ईटिंग चॉकलेट हैवंट यू, तुम चॉकलेट खा रहे थे क्या, नहीं खा रहे थे, देर आर सम ऑन योर शर्ट, ये कुछ तुम्हारी शर्ट पे लगी हुई है, तो आपने ये शर्ट पे लगी हुई पहली बात तो देखी, ठीक है, शर्ट पे लगी हुई देखी, फिर आपने कंक्लूजन निकाला, और कंक्लूजन निकाला तो क्या निकाला कि कोई चॉकलेट, वो मतलब जिसकी शर्ट पे लगी हुई देखी वो चॉकलेट खा रहा था क्योंकि उसकी शर्ट पे लगी हुई है। तो ये जो कंक्लूजन है ये हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हम इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये हम उसको कंप्लेंट करने के लिए, उससे शिकायत करने के लिए, ठीक है, या उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए, मतलब हम इस चीज़ से जो है खुश नहीं है, या हम इस चीज़ से खुश नहीं है, ऊपर वाले सेंटेंस से हम हमारे जो पेपर हैं जो मैसिंग आउट हो गए उससे हम खुश नहीं हैं, यहाँ इस चीज़ से हम खुश नहीं हैं, ये हम कंप्लेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ भी हम कंप्लेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ध्यान रहे, ये जो कंक्लूजन होते हैं ये कंप्लेंट या कोई क्रिटिसाइज़ करने के लिए यूज होते हैं, और कोई चीज़ हम देखते हैं या हम कोई चीज़ सुनते हैं उसको कंक्लूजन होता है वो, ठीक है। जैसे मैंने ये चीज़ देखी कि उसके शर्ट पे जो है बहुत ज़्यादा चॉकलेट लगी हुई है, तो मैंने उसको कंप्लेंट की, तुम को चॉकलेट नहीं खा रहे थे क्या, नहीं खा रहे थे, तो हम ऐसे कहेंगे यू हैव बीन ईटिंग चॉकलेट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ये थोड़े से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के और प्रेजेंट परफेक्ट के थोड़े से एडवांस पॉइंट्स हैं, हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ी जटिल लगे हैं चीज़ें, लेकिन इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अब आप जो स्क्रीन पे जो कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं, ये एग्जांपल्स पहले भी आ चुके हैं, हम इसको उससे रिलेट कर सकते हैं जो हमने इसी वीडियो में देखा था कि अगर हम हाउ मच और हाउ मैनी जो है यूज करते हैं, मान लीजिए कहीं भी हम जो है हाउ मच या हाउ मैनी का आंसर यूज करते हैं कि भाई संख्या मात्रा में कोई चीज़ हमने मात्रा में कोई चीज़ कितनी और या संख्या में कोई चीज़ कितनी, तो वहाँ पे ध्यान रखिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो देखिए, प्राइसेस हैव डिक्रीज्ड बाय 7%, जो प्राइसेस हैं वो 7% डिक्रीज हो गए हैं, यहाँ पे हाउ मच का आंसर है, हाउ मच मतलब कितना डिक्रीज हो गए हैं, 7%, ठीक है, यहाँ पे मात्रा बताई गई थी, यहाँ पर हम ऐसे नहीं कह सकते प्राइसेस हैव बिन डिक्रीजिंग, ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हाउ मच का आंसर ही नहीं है, प्राइसेस हैव बिन डिक्रीजिंग रिसेंटली, हाल ही में जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब हाउ मच कितने हुए हैं यहाँ पे नहीं बताया गया, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यूज़ कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे देखिए, आई हैव यूज्ड 3 टिन्स ऑन द किचन वॉल्स, मैं किचन वॉल्स अर्थात रसोई घर की दीवार पर जो है 3 टिन्स यूज़ कर चुका हूँ, मतलब पेंट के, मैं पेंट कर रहा था और पेंट के मैंने 3 डब्बे जो है यूज़ कर लिए हैं, तो हाउ मैनी टिन्स, 3 टिन्स, तो यहाँ पे मैं जो है प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करूँगा क्योंकि मैंने हाउ मैनी जो है का आंसर यूज़ किया है, यहाँ पे मैं हाउ मैनी बता रहा हूँ कि मैं कितने पेंट के डब्बे जो है मैंने यूज़ कर लिए हैं। लेकिन अगर मैं पेंट के डब्बे यूज़ ना करूँ, मतलब मीन्स मैं हाउ मैनी का जिक्र ना करूँ, तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ कर सकता हूँ, आई हैव बीन यूजिंग ए न्यू काइंड ऑफ पेंट ऑन द किचन वॉल, अब यहाँ पे मैंने हाउ मैनी का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। या ऐसे भी कह सकता हूँ मैं, आई हैव बीन पेंटिंग माई किचन वॉल, आई हैव बीन पेंटिंग माई जो है हाउस, या आई हैव बीन पेंटिंग द वॉल्स ऑफ माई न्यू हाउस, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम हाउ मच और हाउ मैनी का अगर हमने जिक्र कर दिया, तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का ही यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का यूज हम भूल कर भी नहीं करेंगे।
आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इस चीज़ को एम्फेसाइज करता है कि कोई एक्टिविटी है वो जारी है और वो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूस होता है वो इस चीज़ को सजेस्ट करता है कि वो एक्टिविटी केवल एक बार हुई है, या हम ये कह सकते हैं कि वो किसी जो है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ओकेजन्स हुई है, ठीक है, मीन्स निश्चित जो मतलब जो कोई खास मौके हैं और वो मौके भी जो हैं स्पेसिफिक हैं, ठीक है, जो ओकेजन्स है ना वो स्पेसिफिक ओकेजन्स हैं, हो सकता है एक ओकेजन हो सकता है दो ओकेजन हो सकता है तीन चार पाँच छः सात, मीन्स स्पेसिफिक मिलेगा। तो अगर कोई एक्शन है कोई एक्टिविटी है वो किसी मतलब स्पेसिफिक ओकेजन्स पे हुई है, मीन्स स्पेसिफिक नंबर ऑफ ओकेजन्स, ये ध्यान रखना है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ ओकेजन्स, स्पेसिफिक ओकेजन्स नहीं, स्पेसिफिक नंबर ऑफ ओकेजन्स मीन्स कितने मौक़ों पे वो एक्टिविटी हुई है, एक पे दो पे तीन पे चार पे, ठीक है। तो अगर स्पेसिफिक नंबर ऑफ ओकेजन्स हम बता रहे हैं तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे, लेकिन हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ ओकेजन्स नहीं बता रहे हैं बल्कि वो हम ये बता रहे हैं कि वो जो है वो रिपीट होती रहती है, ठीक है, या वो ऑनगोइंग है, वो तो ऑनगोइंग है या रिपीट है, उस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम ये बता रहे हैं कि कोई एक्टिविटी है वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ओकेजन्स पे ही हुई है तो वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। देखिए एग्जाम्पल्स, ये चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी, जैसे योगेश हैज बीन किकिंग ए फुटबॉल अगेंस्ट द वॉल ऑल डे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सारे दिन की बात कही गई है और कोई स्पेसिफिक नंबर्स स्पेसिफाइड जो नंबर्स हैं वो नहीं बताए गए हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफाइड नंबर्स नहीं बताए गए हैं, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, ही हैज़ प्लेड फॉर द नेशनल टीम इन 25 मैचेस सो फार, वो अब तक जो है 25 मैचों में जो नेशनल टीम में खेल चुका है। अब यहाँ पे कितने मौक़ों पे खेल चुका है, 25 मैचेस में खेल चुका है, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड नंबर्स बता दिए हैं तो यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। आगे देखिए, द वर्कर्स हैव बीन कॉलिंग फॉर द चेयरमैन रेजिग्नेशन। अब यहाँ पे मतलब ये जो है ना ये चेयरमैन की रेजिग्नेशन के बारे में जो है कॉल फॉर करना वर्कर्स के द्वारा, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ऑन गोइंग है, ये रिपीटेड है, मीन्स ये ऐसे ये नहीं बताया गया है कि ये भाई कितने जो है ओकेजन्स पे कितने ओकेजन्स पे ये हुआ, बल्कि ये बताया गया है कि ये रिपीटेड है, ये बार बार जो वर्कर्स हैं वो चेयरमैन की रेजिग्नेशन की मांग करते हैं, बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, रिपीटेड, ये रिपीटेड एक्टिविटी है। लेकिन यहाँ पे देखिए, वर्कर्स हैव कॉल्ड फॉर द मैनेजमेंट टू बिगिन नेगोशिएशन ऑन पे, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे केवल एक बार ही, मतलब एक बार ही ऐसा हुआ हो, या हो सकता है ए नंबर ऑफ टाइम्स हुआ हो, इसलिए यहाँ पे जो है हैव कॉल्ड अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो ये थे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में डिफरेंस, आई होप आपको समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और ऐसे ही एडवांस ग्रामर के कुछ वीडियो जो हैं उनके लेटेस्ट अपडेट आज तक पहुँच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।